देश भर की सारी खबर, हर खबर उतरेगी सच्चाई की कसौटी पर। खबर हो राजनीति की या बॉलीवुड की, खेल की या क्राइम की, हर पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए है यूपी लाइव 100 न्यूज। 24/7 खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। उसकी समीक्षा, उन पर चर्चा हमें आगे के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। आज की इस चर्चा में मुझे भी आपसे काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा। आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव देश को आगे की रणनीति बनाने में अवश्य मदद करेंगे। साथियों, किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिए थे। हमने एक एक भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की है। बीते हफ्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतीय भाई बहन विदेश से अपने वतन वापस लौटे हैं। बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने अपने गांव पहुंचे हैं। रेल, रोड, एयर, सी सारे मार्ग करीब करीब अब खुल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद, हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद, भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है, तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। टू व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई में टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि को दिखाता है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत हैं जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथियों, हमारे यहाँ जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें, इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। साथियों, किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था उसे भी हम कम कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, बांबू प्रोडक्ट्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। साथियों, बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। इस पृष्ठभूमि में कोरोना से लड़ाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुझाव हैं, जो तैयारियां हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बातें आएगी वो आने वाले रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे आगे की चर्चा का